तो सबसे पहले अलाइट मोशन को ओपन करेंगे और जितनी लिरिक्स आपको टाइप करना है वो कर लेना। फिर प्लस के आइकन पर टैप करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पर टैप करेंगे और नल ले लेंगे। इसी तरह से आपको उतने ही नल लेने हैं जितनी आपके लिरिक्स हैं। इसके बाद लिरिक्स पर टैप करेंगे, फिर मर्ज वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और नल वन से मर्ज कर लेंगे। एंड आपकी जितनी भी लिरिक्स होंगी उन सभी लिरिक्स को नल वन से मर्ज करना होगा। इसके बाद नल वन को नल टू से मर्ज करना है, नल टू को नल थ्री से मर्ज करना है एंड नल थ्री को नल फोर से मर्ज कर लेना है। तो देख लीजिए गाइज, सारी लिरिक्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी हैं। आपको इसी तरह से मर्ज कर लेना है। इसके बाद हम इसमें की फ्रेम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको जूम करके लिरिक्स को स्क्रीन से बाहर कर लेंगे एंड फर्स्ट लिरिक्स को स्क्रीन पर ही रखेंगे। एंड अब इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे, तो एक की फ्रेम इसके स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, एक की फ्रेम इसके थोड़ा आगे ऐड करेंगे एंड एक अगले मार्क पर। फिर स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पर आएंगे और इसको भी जूम करके स्क्रीन से बाहर कर लेंगे। फिर थर्ड वाली की फ्रेम पर जाएंगे और इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद नल टू पर टैप करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, फिर एक की फ्रेम मार्क पर ऐड करेंगे, एक की फ्रेम इसके थोड़ा आगे ऐड करेंगे, फिर इसको जूम इन करके अगली लिरिक्स को स्क्रीन पर लाएंगे, फिर इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद अगले मार्क पर आकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा जूम इन करेंगे एंड फिर एडजस्ट कर लेंगे। एंड अब नल थ्री पर जाएंगे और इसको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेट कर लेना है। और अगर इस तरह से एक्स्ट्रा लिरिक्स स्क्रीन पर आ जाए तो इसको कैसे हटाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसको ठीक से सेट कर लेते हैं। हाँ, तो इसको हटाने के लिए इसी लेयर पर टैप करेंगे, फिर मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जूम करके इसको स्क्रीन से बाहर कर लेंगे। इसके बाद नल फोर पर भी इसी प्रोसेस को अप्लाई करके ठीक से सेट कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है हमारी कंप्लीट एंड आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसको और भी बेहतर बना सकती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव हो। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड आपको कुछ और भी सीखना है तो कमेंट कर दें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।